डाली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन थप्पड़ मारने के लिए तो एक हाथ ही काफी होता है। इसी तरह रोड पर एक्सीडेंट के दौरान दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गलती का पूरा टोकरा बड़े व्हीकल वालों पे ही डाल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ बाइकर एक ट्रक डंपर को रोक कर उनके साथ बदतमीजी करने लगते है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ बाइक वाले आते हैं और उस ट्रक के आगे अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं और उस ट्रक वाले को अब्यूज करने लगते हैं। नोटिस करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बाइक वाले बंदे उस ट्रक डंपर को डैमेज करने लगते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदा तो ट्रक का साइड मिरर भी तोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ उस ट्रक वाले के साथ गलत हुआ। अब यहाँ पर सेकंड हैंड बोलेरो खरीदने आए कुछ लोगों ने इंस्पेक्शन के दौरान गलती से गाड़ी स्टार्ट कर दी। केरला स्टेट का ये इंसिडेंट उन लोगों के लिए सबक है जिसे कार के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे उंगली करने की आदत होती है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड हैंड बोलेरो खरीदने आए कुछ लोगों में से एक ने गलती से गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया। जब उसने गाड़ी की चाबी घुमाई तब गाड़ी ढलान में खड़ी हुई थी और हैंड ब्रेक भी एंगेज नहीं की हुई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां खड़े लोग उस गाड़ी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और खाई में गिर जाती है। सो इसीलिए व्हीकल अपना हो या दूसरों का, बिना सोचे समझे उंगली नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक टाटा हैरियर रोड के बीच में बने डिवाइडर से टकराती है। यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि डिवाइडर से टकराने की वजह से गाड़ी का राइट साइड वाला टायर पूरी तरह से उखड़ गया है, लेकिन इसके अलावा गाड़ी को और कोई डैमेज नहीं हुआ है। हालांकि ये टायर भी डिवाइडर से सीधे टकराने की वजह से उखड़ा है। यहाँ पर आप इस डिवाइडर को भी देख सकते हो जो इम्पैक्ट से टूट गया है। ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर अननेसेसरी रोड के बीच में डिवाइडर बना दिए गए हो, जिनसे ऐसे हादसे होते हैं। 4x4 कार को थोड़ी बहुत हरी पीली मॉडिफिकेशन करवाने के बाद कुछ लोग अपनी कार को हवाई जहाज समझने लगते हैं और सड़कों को अपने पिताजी का रनवे। जैसे कि ये थार वाले भाई साहब अपनी कार को रोड पर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। No. इसी तरह यहाँ पर महिंद्रा की ये थार आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ऐसी जगह पर फंसी जहाँ पर से इसे 4x4 भी नहीं निकाल सकता। सो लेसन ऑफ द डे की कार को कार की तरह चलाए, ज्यादा हवा में उड़ोगे तो नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। समझ रहे हो?
सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।